लगातार किसानों को धोखे में रख रही कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए जिला किसान मोर्चा ने जिला भाजपा कार्यालय में बैठक रखी, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने भाजपा किसान मोर्चे के कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों की वादा खिलाफी सरकार है, जहां दिन नहीं चलने वाली, और आचार संहिता के समय भी कर्ज माफी को लेकर किसानों के मोबाइल पर भी फर्जी मैसेज करके धोखे में रखा, और साथ में भावांतर की राशि में भी किसानों को लगातार कमलनाथ सरकार धोखे में रख रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज जिला भाजपा किसान मोर्चे ने कमलनाथ सरकार के नाम कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष संजय सक्सेना सहित बड़ी संख्या में भाजपा किसान मोर्चे के कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद रहे। न्यूज से रोशन सिंगनापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। सिटी इन लाइव, हमेशा समाचार के साथ।